सभा में हम जीते थे, विधानसभा में जीते थे, तो वो तो रैली किए थे, कार्यकर्ता के नाम पर रैली किए थे, तो फ्लॉप हो गया रैली उनका। कहाँ चला गया जनता? जमीन से उनका पैर घसक गया है, जनता छोड़ दिया है उनको। कहाँ जाए नीतीश कुमार के जनता मानता है? जनता तो नहीं माना, जनता मानता तो पूरा पटना पाटा रहता आदमी से। कहाँ कहीं तो नहीं है, कहीं सड़क पर नहीं दिखाई दिया। जनता को दिखाना चाहिए कि कितना लूट हुआ है, सरकारी लूट है, कलकत्ता के नाम पर सरकारी लूट हुआ है। सुना जाए या चुनाव के पहले या रैली थी नीतीश कुमार की, बिहार की जनता का मोह खत्म है और कार्यकर्ता का भी मोह नीतीश कुमार से के प्रति समाप्त हो गया है। अगला चुनाव में ये 2 नंबर पर भी ये नहीं रहेंगे। परीक्षा में पास नहीं हुआ, फेल हो गया। राजद के सदस्यों के नहीं, सत्ता पक्ष के सबसे पहले सीख लेनी चाहिए। जो सत्ता पक्ष के लोग जो सरकार में रह करके और लोग कह रहा है कि हम यहाँ विकास के काम करते हैं, हम बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार की सरकार है, ताकि बिहार में बाहर है और शिक्षक कंगाल है, ये हालात बनी हुई है। आखिर विपक्ष की ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? विपक्ष के जो हमारे जो है कि सीताराम यादव की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर सरकार और बिहार के विकास पुरुष अगर शिक्षकों के प्रति संवेदनशील होती तो आज विधायकों को बारी बारी से रिजाइन देने की ज़रूरत पड़ती क्या? उनकी मजबूरी है। जो हालात कल था, हम भी थे क्षेत्र में, हमारे घर को जिस तरीका से शिक्षकों ने घेरा था, ऐसे स्थिति में कहाँ जाएगा, क्या करेगा? प्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ दौड़ रहा है, बिहार के मुखिया सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे परिस्थिति में क्या करेगा? ध्यान तो देना ही ना पड़ेगा। मैं आने पर शिक्षा के लिए और बिहार के विकास के लिए कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।